कट, ये देखिए कितनी अच्छी सी, बिल्कुल भी नहीं गली, वो मतलब कि गली जैसे कि बिल्कुल टूटी होती है वो नहीं है। और कितनी मज़ेदार सी, जिस जिसको अच्छी लगती है वो आ जाए। और मेरी सिस्टर अनीला उबैद, ये देखिए बड़ी हॉट है, हॉटी हॉटी है। ये हम बाद में कट करेंगे। और लेमन मेरा पता नहीं किधर चला गया है। लेमन भी मेरा खुश हुई है। और ये देखिए किस किस के मुंह में पानी, मेरे मुंह में तो अभी बहुत ज़्यादा वाला आ रहा है। अभी तो इसके ऊपर एक और चीज़ जाएगी, गैस कर ले क्या जाएगा, जो गैस करेगा उसको एक शकरकंदी मिलेगी। इसके ऊपर जाएगा मज़ेदार सा चाट मसाला। अब खुद सोचो कितना मज़ा आएगा जब शकरकंदी के ऊपर मसाला लगेगा। और फिर गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं। कैसे गुजरे आपके दिन, आपकी रातें, आपकी सुबहें? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही गुजरे होंगे। तो दिसंबर आ चुका है और खूब हमारी तैयारियाँ हो रही हैं, हमारा क्रिसमस इन है। और फिर क्रिसमस की डेकोरेशन आपके साथ हम सेलिब्रेशन करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आपने हमारे साथ ही बने रहना है। और आज मैं ख़ास तौर से आपके साथ शेयरिंग करने लगी हूँ, किसकी किसकी किसकी, हाँ इसकी, ये है शकरकंदी स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं। आज मैं इसको बेक करके बताऊँगी कि बेक करके कैसे इसको बनाया जाता है। अदरवाइज़ हम लोग जब बनाते हैं बहुत सा पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा देते हैं इसको पाए की तरह पकने के लिए, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। असल तरीका है जैसे मैं बनाती हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी। सिर्फ जैसे मैंने संघाड़े बनाए थे बेक करके, वैसे ही इसको बनाऊँगी बेक करके। आजकल तो वैसे भी शकरकंदी को बारबेक्यू किया जाता है, कोयलों पे बनती है और मिट्टी में बनती है, नमक में बनती है, लेकिन मैं आपको एक यूनिक तरीका बताऊँगी बेक करके कैसे इसको बनाया जाता है। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें जी। सबसे पहले हम जाएंगे बाज़ार और बाज़ार से लेकर आएंगे शकरकंदी, मतलब कि स्वीट पोटैटो, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे सर्दियों के फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं और सर्दियों की चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्दियों की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और हम ले आएंगे शकरकंदी बाज़ार से। और ये हस्बैंड जी लाए थे, पता नहीं किलो है डेढ़ किलो है मुझे नहीं पता। हमने इनको वॉश टैप के नीचे नहीं करना, क्योंकि अगर हम टैप के नीचे करके वॉश करेंगे इसके ऊपर से मिट्टी जल्दी नहीं उतरेगी। हम इसको डाल देंगे एक पतीले में या किसी टब में या किसी परात में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें डाल के इसको भिगो दें। इस तरीके से आपने इसको भिगो देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको भीगे रहने देना है। और जैसे 10 से 15 मिनट हो जाएंगे आपने इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मसलना है। और जब ये साफ़ हो जाएंगी फिर आपने इनको निकालना है। चलो 10 मिनट के बाद हम इनको वॉश करते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने पानी चेंज कर लिया है, पानी बिल्कुल साफ़ है, एक पानी मैंने निकाल दिया था। और यही तरीका है, आपने भी करना है ऐसे और आपने बनानी है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आप देखें इस तरह से आपकी शकरकंदी, यहाँ से गंदी स्वीट पोटैटो, चलो स्वीट पोटैटो, अगर यहाँ से आपको गंदा सा लग रहा है आपने बॉईल करने से पहले, बेक करने से पहले यहाँ से कट कर लेना है। डन हो गया, ये देखें ठीक है। और इधर से भी हल्का सा उतार लेना है। और ये देखिए ये मैंने पहले से कट कर लिया था और इसको आपने रखते जाना है। और यही प्रोसीजर आपने दोबारा करना है। और आप ये देखिए, ताकि जब जैसे ये बेक हो जाएगी फिर ये आपको मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको इसका छिलका उतारना पड़ेगा। ये देखिए
आज बहुत मज़े आने वाले हैं, आज शकरकंदी बनने लगी है मेरी फेवरेट। तो आपने मेरे साथ ही रहना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि शकरकंदी किस किस को अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैं पानी लाई हूँ, सिर्फ इसमें इतना ही पानी जाएगा, हाफ कप, बल्कि ये ज़्यादा है। सबसे पहले हम डाल देंगे पानी, पतीली कढ़ाई जो कुछ भी आपके पास उसमें आपने यूज़ करना है। ये मैंने डाल दिया पानी और अब इसके अंदर रख देंगे इसको, इसको बोले तो स्वीट पोटैटो को। चलिए जी, ये सारी मैंने रख दी स्वीट पोटैटो। और ये देखिए, ये रोटी का झाड़न हर घर में मौजूद होता है, जिसको पोना भी कहते हैं। और ये रोटी का झाड़न है, आपने इसको कर लेना है गीला। ये देखिए इतना गीला कि इसके अंदर से पानी निकले। इसके गीला इसलिए करते हैं कि ताकि ये जो चीज़ है हमारी अच्छे से बेक हो जाए। हम इसको रख देंगे इसके ऊपर और अब जो इसका ढक्कन होगा वो इसके ऊपर मैं रखती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने ढक्कन को कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने रख देना यूँ, मतलब कि इस तरह से। और आपने मीडियम आंच पे इसको रखना है, हल्की सी तेज़ करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसकी आंच चेंज कर देंगे और बिल्कुल स्लो मीडियम पे रख देंगे। तकरीबन हम इसको 20 से 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। और जब इसको बेक करेंगे मैं आपको दिखाऊँगी और फिर मिलेंगे स्वीट पोटैटो मिलने के बाद। तो ये मैंने रख दी है, आप नीचे से आंच देख सकते हैं। पाकिस्तान की गैस इतनी ही आती है। इस आंच में आपने रख देना है और फिर जैसे ही 5 मिनट होंगे आपने फ्लेम को कम कर देना है और इसको दम पे रहने देना तकरीबन 20 से 15 मिनट तक। तो जैसे डन होगी हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। तो ये देख सकते हैं स्टीम में, ओ माय गॉड, ओ शकरकंदी डन हो चुकी है। और ये देखें, ये देखें, और अभी इसको कट करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने स्टीम में शकरकंदी स्वीट पोटैटो बनाई है। और अब हम इनका उतार रहे हैं छिलका, बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से आपने छिलका उतारना है। ये देख ले, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया था, सिर्फ ज़रा सा मैंने पानी डाला और झाड़न को मैंने गीला करके इसके ऊपर लगा दिया था। अभी खाई भी नहीं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखिए, और इसको हम कर देंगे कट। ये देखिए कितनी अच्छी सी, बिल्कुल भी नहीं गली वो, मतलब कि गली जैसे कि बिल्कुल टूटी होती है वो नहीं है। और कितनी मज़ेदार सी, जिस जिस को अच्छी लगती है वो आ जाए। और मेरी सिस्टर अनीला उबैद, ये देखिए बड़ी हॉट है, हॉटी हॉटी है। ये हम बाद में कट करेंगे। और लेमन मेरा पता नहीं किधर चला गया है। लेमन भी मेरा खुश हुई है। और ये देखिए किस किस के मुंह में पानी, मेरे मुंह में तो अभी बहुत ज़्यादा वाला आ रहा है। अभी तो इसके ऊपर एक और चीज़ जाएगी, गैस कर ले क्या जाएगा, जो गैस करेगा उसको एक शकरकंदी मिलेगी। इसके ऊपर जाएगा मज़ेदार सा चाट मसाला। अब खुद सोचो कितना मज़ा आएगा जब शकरकंदी के ऊपर मसाला लगेगा। और फिर जी फ्रेंड्स, मज़ेदार सी स्टीम में बनी हुई
शकरकंदी मीन स्वीट पोटैटोज जो कि सर्दियों में बहुत ही यमी और मज़ेदार होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ, शॉपिंग के जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, हस्बैंड जी लाजमी मुझे ये खिलाते हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी आपके सामने मैं खा कर दिखाऊंगी। पहली बार मेरी यूट्यूब फैमिली के नाम बहुत मज़ेदार और बिल्कुल सॉफ्ट सी, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली और 15 मिनट में बनने वाली आपके सामने स्वीट पोटैटो। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो फॉलो करें, फॉलो करने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। और बताना कि कैसी बनी और मेरा बनाने का तरीका कैसे है। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए स्वीट पोटैटो के साथ, स्वीट सा मैं आपको करूँगी। बाय।